बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शफीक अफरीदी, साबिका एमपीए PK 71 बाड़ा। मौजूदा इलेक्शन के सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के लिए हमने जद्दोजहद भी की और इलेक्शन इंतखाबात एक मुल्क, एक सूबे की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नुमाइंदा आवाम का मुंतखब करदा हुकूमत जब वजूद में आती है तो उस पर तमाम डोनर्स एजेंसियाँ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एतमाद करते हैं, क्योंकि वो एक बाएतमाद हुकूमत होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंतखाबात हो और इंतखाबात के बाद हमारा जो सूबा आजकल माशी मुश्किलात का दो चार है, जो तनख्वाहों के पैसे पूरे नहीं कर पा रहे, इसकी मेन वजह है कि पहले तो हमारा एक नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए कि वो मरकज में हमारा सही तौर से वकालत करे और उधर से अपने वसाइल जो है वो हासिल करे, और इसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के डोनर्स एजेंसियाँ हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे अपने रवाबित बढ़ाएं और सूबे को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इधर कारोबार और रोजगार जो है वो भी इससे तरक्की करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी है और 8 फरवरी पे मैं तमाम सूबे के तमाम लोगों से ये इल्तिमास करता हूँ कि इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उन लोगों पे अपना इतमाद करें कि वो इस सूबे और इस इलाके की तामीर व तरक्की के लिए सच्चाई के साथ अपनी नुमाइंदगी करें।